22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की गई हैं। इसका इंतजार मशहूर एक्टर रजा मुराद को भी है। रजा मुराद के लिए प्रभु श्री राम का क्या महत्व है, ये तब पता चला जब उन्होंने इस बारे में NDTV से जिक्र किया। सुनिए प्रभु श्री राम के बारे में रजा मुराद क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। NDTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद, जो कि हमसे कई मुद्दों को लेकर खुलकर बात करेंगे। सो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। रजा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रजा जी, आपने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि मेरे नाम में राम है और मैं आज जो भी हूं राम की वजह से हूं। इसका क्या मतलब है? क्या आपको इस बयान पर कंटर पंक्तियों से डर नहीं लगता? डरने की क्या बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और मैंने किसी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कहा है। जो हकीकत है मैंने वो बयान की है कि हमेशा मुझ पे राम जी की कृपा रही है। मेरा जो जन्म स्थान है वो रामपुर है जी, है मेरा वतन रामपुर जी। मुझे पहला जो ब्रेक दिया फिल्म इंडस्ट्री में वो दिया था बाबू रामेश्वराम ने। जी, 14 साल की जद्दोजहद के बाद जो मेरी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई और जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी वो थी राम तेरी गंगा मैल। जी, उसके बाद एक और मेरी सुपर डुपर हिट फिल्म आई जिसमें मेरा रोल सरजॉन का बहुत हिट रहा वो थी राम लक्ष्मण। उसके बाद मैंने पहली बार संजय लीला बंसाली के साथ काम किया गलियों की रासलीला रामलीला। जी, और पिछले 12 साल से मुस्तकिल तौर पे मैं अयोध्या जी की रामलीला का एक एक भाग रहा हूं। जी, अलग अलग किस्म के मैंने उसमें चरित्र निभाए हैं। जी, और एक और मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि 17 साल से जो मेरी मेरी फैमिली डॉक्टर रही हैं जी, लेडी, उनका नाम था डॉक्टर सीता चोकसी। जी, देखिए इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है जी, और किसी को इसमें बुरा मानने की कोई वजह भी नहीं है जी। मैंने बताया है कि राम जी की मुझ पे कृपा रही है। और हाँ, एक जो दूसरी बात यह है कि मेरा जो पूरा नाम है वो है रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली और एम से मुराद, तो मेरे इनिशियल भी जो हैं वो RAM बनते हैं जी। तो अब आप क्या क्या कहेंगे इसे, और इसमें किसी के बुरा मानने की क्या गुंजाइश है? जी, जी, जी। मैं नहीं समझता कि किसी को भी बुरा मानना चाहिए। राम जी जो हैं वो सारे जग के हैं, पूरे जग के हैं, पूरा विश्व जो है उनसे सीख लेता है, उनके चरित्र से सीख लेता है जी। तो राम जी तो पूरी दुनिया के हैं, विश्व के हैं जी, हम सब के हैं जी। रजा जी, अयोध्या में होने वाली रामलीला में आप कौन सा किरदार निभाने वाले हैं? कुछ बचपन से जुड़ी ऐसी कुछ यादें हों आपकी इसी के साथ? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि रामलीला 16 तारीख से यानी कल से खेली जाएगी अयोध्या जी में, और उसमें इस बार मैं राजा दशरथ का चरित्र निभा रहा हूं। जी 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 देखिए मैंने आपसे ये कहा ना, मैंने आपसे शुरू में ही कहा ये बात मैं किसी को या किसी समुदाय को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए नहीं कह रहा जी। जो सारी हकीकत है वो तो जग जाहिर है। जी जी जी। जिन फिल्मों में मैंने काम किया है, जिस शहर का मैं वासी हूं, जो मेरा नाम है, तो जो भी मैंने आपसे कहा है वो बिल्कुल मैंने हकीकत बयानी की है। उसमें कुछ कुछ भी झूठ या मिलावट या एग्जैजरेशन नहीं है जी। आपको रामचरितमानस की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? देखिए ऐसा है कि राम जी का जो किरदार है जी, राम जी का जो एक चरित्र है जी, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जी,
ऐसा सौतेला बेटा, जी ऐसा बड़ा भाई, ऐसा राजा, ऐसा पति जी और ऐसा बाप पिता। जी जी एक मिसाल है। और यही वजह है, देखिए क्या है कि जब आप किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी हो गए उनके साथ। जी और उसके बाद जब आप आपका भाई, आपका भ्राता लक्ष्मण 14 साल तक कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर वो आपके साथ चले, क्योंकि आप एक आदर्श भाई थे। जी और मैं ये कहूंगा कि जब इंसान में अच्छाइयां नहीं होती, उसकी नियत खराब होती है, तो उसके अपने भी जो है वो विद्रोह करते हैं। विभीषण को देख लें, एक तरफ राम जी का भाई विभीषण, एक तरफ माफी चाहता हूं राम जी का भाई लक्ष्मण, और दूसरी तरफ रावण का भाई विभीषण। तो बात वही है, बात नियत की होती है, बात चरित्र की होती है। और ये जो वानर सेना थी, ये जो भक्त बने हमारे हनुमान जी, राम जी के भक्त थे वो। राम जी, हम उन्हें भगवान भी कहते हैं, हम उन्हें पुरुषोत्तम भी कहते हैं, हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो इतनी जो खूबियां थी, उन खूबियों ने हनुमान जी को राम जी का भक्त बना दिया। भक्त ही नहीं बनाया बल्कि परम भक्त बनाया। जी 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 आपने एक बार कहा था कि सिर्फ आपकी आवाजी पहचान नहीं है, उससे आगे भी आपको जानना चाहिए। तो आखिर ये कौन सी कीड़ा है, हम इसके बारे में क्या बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए ऐसा है, मेरे साथ जो एक विडंबना रही है जी, वो ये रही है कि जब भी मेरा जिक्र किया जाता है बतौर एक्टर, बतौर एक कलाकार, तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि रजा मराधा बड़ी अच्छी आवाज है उनकी। मेरी कला के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, आवाज के बारे में बात करते हैं। बाकायदा मैंने 2 साल की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मैंने तरबियत ली है जी। तो बाकायदा सीखा है, एक्टिंग की बारीकियां सीखने की मैंने कोशिश की है जी। और मुझे 53 साल हो गए काम करते हुए जी। तो जब भी मेरा जिक्र आता है तो सिर्फ लोग आवाज का जिक्र करते हैं जी। तो ये बात कई बार मेरे लिए काफी तकलीफ देह होती है जी। कि मैंने अलग अलग किस्म के चरित्र निभाए हैं। मैंने नमक हराम में एक टूटे फूटे जिंदगी से मायूस शायर का रोल अदा किया था जो आज भी लोगों को याद है जी। उसके बाद राज कपूर साहब की मैंने 3 फिल्में की जी। एक में मैं एक पॉलिटिशियन बना था, राजनेता बना था, भागवत चौधरी। दूसरी में मैं प्रेम रोग में मैं बना था ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह सुमेरगंज का राजा जी। और तीसरी में मैं एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर बना था शाहबाज खान। तो अलग अलग टाइप के मैंने रोल निभाने की कोशिश की, मेहनत की, वैरायटी लाने की कोशिश की, लोगों ने उसे पसंद भी किया जी। लेकिन बात जब भी आती है तो सिर्फ आवाज का जिक्र किया जाता है। तो उसमें ये शेर है कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जन्म रामपुर में हुआ है, आपने कई भाषाओं में आपने फिल्में भी की है,
अब जी नोएडा जी में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उसको जी लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसा है कि यूपी में, नोएडा तो यूपी में आता है, जी बात सिर्फ नोएडा की फिल्म सिटी की नहीं है, वो होना बन रही है। पहले सिर्फ बातें बातें और बातें होती थी, अब इस काम को अमली तौर पे भी शुरू किया गया है। जी फिल्म सिटी के निर्माण का काम शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल काबिले तारीफ है। मैं उसकी बिल्कुल बहुत ही सराहनीय बात है वो, मैं उसकी सराहना करता हूँ। जी उसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज हैं, देखिए, मैं एक फिल्मी कलाकार हूँ, और जो बात भी फिल्म के लिए या फिल्म वालों के लिए या फिल्म निर्माताओं निर्देशकों के लिए लाभदायक होगी, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। जी तो जो फिल्म सिटी बन रही है वो यकीनन जो है फिल्म वालों के लिए, फिल्म मेकर के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है। जी और दूसरी बात यह है कि यूपी में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से निर्माता निर्देशक वहां नहीं जाते थे। कई बार देखिए प्रॉब्लम होती है, होटल्स की होती है, एकोमोडेशन की होती है, इक्विपमेंट की होती है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो दर्शकों को कंट्रोल करने की होती है। जी तो सारे आश्वासन जो हैं सरकार ने दिए हैं, हर किस्म की फैसिलिटी वो दे रही है। तो यूपी में आप जहां चाहें आप शूटिंग कर सकते हैं, और सरकार जो है हर प्रोटेक्शन आपको प्रदान करेगी, हर सुविधा आपको प्रदान करेगी। तो ये मेरे लिए, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मेरे निर्माताओं निर्देशकों के लिए जो है ये एक बहुत ही खुशी की बात। रजा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।